चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का दाम हो, चाहे आटे का दाम हो, चाय पत्ती का दाम हो, नींबू का दाम हो, हर दाम में आग लगी हुई है आज की तारीख में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रहार हुआ है आम जनता पर, नए साल में मोदी जी का ये तोहफा है। आज सवेरे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार हमारे देश में घरेलू रसोई गैस के दाम दुनिया में सबसे ज्यादा है, पेट्रोल का दाम तीसरा सबसे ज्यादा है और डीजल का दाम सातवां सबसे ज्यादा है। और सिर्फ यही चौंकाने वाला फिगर नहीं है कि रसोई गैस सबसे ज्यादा दुनिया में महंगी हिंदुस्तान में, या पेट्रोल सबसे तीसरा महंगा हिंदुस्तान में, या डीजल सबसे सातवां महंगा हिंदुस्तान में। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब करीब 1/4 दिन की आम भारतीय की कमाई, आम भारतीय की एक दिन की औसतन कमाई का 1/4 हिस्सा पेट्रोल में, करीब 21% हिस्सा डीजल में और करीब 15.5% हिस्सा रसोई गैस में जा रहा है। आम आदमी की दिन की औसतन कमाई का 1/4 हिस्सा पेट्रोल डीजल में, 21% और 15.5% से ऊपर रसोई गैस में जा रहा है।